हे एवरीवन, दिस इज संगीता एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मुझे पता है आप यही सब कहोगे कि मैंने इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली गाइज, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज क्या है कि आज शिवरात्रि है, तो आज हम सब रेडी शेडी होके हम जा रहे हैं मंदिर में, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज वीडियो शूट करते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, मेरा सामान आप देख सकते हो कैसे कैसे बिखेर रखा है हमने, और मेरा आज का जो लुक है मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, ये मेरा आज का लुक, ये अनारकली बोलते हैं जो भी कुछ बोलते हैं, ये है, मैं आपको कंप्लीट अभी दिखाती हूँ। बट उससे पहले आप मेरा मेकअप देख सकते हो, मैंने थोड़ा लाइट मेकअप कर रखा है, ज़्यादा नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं कभी कभी मेकअप करते हो बाहर जाने के लिए, बस रील्स के लिए अलग बात हो जाती है। तो पता नहीं गाइज आज कैसा क्या वीडियो बनने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ कि मुझे बोलना क्या चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बट जो भी है ठीक है, चलते हैं। बट आपको फुल लुक मैं बाद में दिखा दूँगी अच्छे से। और ये देख सकते हो आप, उधर हिमांशु भी रेडी हो चुकी है, मेरी रूममेट, और कहाँ गई वो ये भी रेडी है। सो गाइस, अब चलते हैं हम फिलहाल मंदिर। पहले मंदिर जाने से पहले हमें क्या है कि हमने अभी फल वगैरह मतलब कुछ भी नहीं लिया था, कोई प्रसाद वरसाद नहीं लिया है, तो सबसे पहले हम जाके प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर में, फिर मैं आपको आगे का वीडियो दिखाती हूँ, तो आप कंटिन्यू रहना। ओके, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। गाइस, इसकी एंट्री आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, और एक ये रही। अभी हम फिलहाल एंट्री करते हैं और एंट्री करके चलते हैं। ये हमारी वार्डन मैम। हमारा ना थोड़ा सा दुपट्टे में दिक्कत आ गई, अभी हिमांशु इस दुपट्टे को अच्छे से सेट कर रही है। गाइस, दिक्कत ये है, इसकी आदत खराब है। गाइस, आप कुछ भी कह सकते हो। गाइस, मेरे को धूप में मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, बट अभी हम आ चुके हैं, ठीक है। उधर हमारा वो है मठ है बोरा, और मेरी फ्लिक्स पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, मैंने इतनी अच्छे से निकाली थी, बट ये सारी है ना इधर से उधर हो गई, गुस्सा दिला रहे, बट आज गुस्सा नहीं करना, अशांत रहना है। तो चलते हैं मंदिर में, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पता नहीं कैसे अच्छे से दर्शन हो पाएंगे या नहीं, बट चलो चलते हैं, भीड़ बहुत है। और गाइस, अभी हमारा मेला आने वाला है, तो मेले की वजह से हमारे यहाँ पर ये लगने स्टार्ट हो गए अभी से ही झूले वूले। गाइस, अब मैं आपको हमारी जो हमने थाली सजा रखी है वो दिखाती हूँ। गाइस, ये है हमारी थाली, ज़्यादा अच्छे से तो डेकोरेट नहीं, बट हमारी तरफ से बहुत प्यारी लग रही है हमें, तो रीरी हमारी प्यारी प्यारी। खतरनाक लग रहे। गाइस, अभी है ना हिमांशु, ये जो हिमांशु है ना, इसने हमें ये कहा कि है ना चलो पहले ना, मतलब अभी भीड़ लगी हुई है, तो पहले हमें ना फोटो फोटो खींच लेते हैं, तो घंटी बजाते टाइम फोटो खींचेंगे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये घंटी देख सकते हो आप कितनी ऊंचाई पे है। तो मैं मेरे सीधा दिमाग में आते हैं कि हमारी बेचारी प्रियंका है जो कित्तू सी है, ये टिंगी सी, ये इसको कैसे छुएगी और कैसे फ़ोटो खिंचवाएगी। है प्रियंका, कैसे खिंचवाएगी फ़ोटो? आजा चल उठाते हो, अभी आजा। वहाँ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ में अच्छे से वीडियो नहीं बनी, तो मुझे नहीं पता हिमांशु ने कैसे वीडियो बनाई है, तो बाद में देखते हैं उस वीडियो को भी, जब एडिट करूँगी अब तो तभी देख सकती हूँ। फिलहाल अभी हिमांशु और लाक्षी गई हुई है पानी डालने के लिए, और तब तक हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं और प्रियंका। भीड़ देख सकते हो आप पीछे कितनी ज़्यादा है। गाइज, अभी हमने जल वल चढ़ा दिया है, हम पूजा वूजा करके आ चुके हैं, और अभी मेरे धूप पे आधे पे धूप आ रही है, आधे पे नहीं आ रही, धूप पे धूप आ रही है, आई मीन फेस पे धूप आ रही है। अभी हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ फ़ोटो शूट करेंगे, हमारी यहाँ की लोकेशन है, मतलब यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, किस चीज़ के, ज़्यादातर अमरूद के हैं, और पिछली बार जब हम यहाँ आए थे ना, मैंने यहाँ से अमरूद तोड़े भी थे। तो अभी हम थोड़ी फ़ोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हॉस्टल। और गाइज, मैं तो फास्ट के टाइम पर कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब फल फ्रूट जो खाना होता है मैं वो भी नहीं खाती, बस मैं पानी पानी पीती हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से, नहीं सॉरी फटाफट से नहीं चलना, पहले बनाएंगे हम, क्या बोल रहे हो यार, पता नहीं, पहले हम फ़ोटो खींचेंगे उसके बाद हम जाएंगे हॉस्टल, तो तब तक के लिए बाय बाय। हम 11 बजे हमने ना मतलब धोख वोक मार के, और हम है ना फ़ोटो शूट करने लगे थे, और अभी एक बज चुका है, फ़ोटो शूट हो चुकी है, बट मेरी नहीं हुई है अच्छे से, मेरे को पसंद नहीं आई है, मेरे को मुश्किल से 10 एक फ़ोटो पसंद आई है, बाकी एक पसंद नहीं आई है। तो अभी हॉस्टल जाके
हॉस्टल में दोबारा से फ़ोटो शूट करेंगे, जो कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है। और अगर मेरा अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मेरे को सारी सेल्फी लेनी पड़ेगी, वैसे फ़ोटो मैं ले नहीं पाऊँगी। तो अभी चलते हैं फटाफट से वापस हॉस्टल। गाइज हम 10:30 बजे के गए हुए, अभी 1:30 बज चुका है। इतनी देर बाद अब आए हैं, हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं बनाई बट मैंने फ़ोटो बहुत खींची हैं। और उसके बाद फिर अभी हम मैच में चले गए थे, तो मैच में आज हमारे में जो मतलब जिनका फास्ट था उनके लिए स्पेशल खाना आया हुआ था, जैसे दही स्पेशल तो क्या ही बोल सकते हैं। दूसरों के लिए भी आलू थे, बस उसमें मिर्च डाल दी थी और हमारे वाले मिर्च नहीं थी। तो बट हुआ क्या, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जिस टाइम मैं खा रही थी उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा था। और उसके बाद फिर हुआ क्या, जब मैं वीडियो शूट करने लगी, मतलब मैं वहाँ पे गई जहाँ पे रखा हुआ था, तो ना वहाँ पे वार्डन मैम ने मेरे को मना कर दिया कि ऐसे शूट नहीं करनी है। बट हम भी असली हैं बच्चों, हम भी असली हैं। हम अब नेक्स्ट जो मतलब मैं सोच रहा वीडियो बनाने की, तो उसमें क्या होगा कि मैं कंप्लीट एक हफ्ते का मैश का खाना दिखाने वाली हूँ उनको, बिना बताए जब मैं कैसे दिखाऊँ, बट मैं दिखाऊँगी ज़रूर। और अभी फ़िलहाल मेरे को मेरी ये ड्रेस उतारनी है, बट अभी नहीं, पहले मेरे को थोड़ी सी वीडियोस बनानी है। यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनी, ना ही मेरी अच्छे से फ़ोटोशूट हुई है, तो अभी पहले फ़ोटोशूट करेंगे दोबारा से, फिर वीडियोस बनाएंगे, इंस्टा के लिए रील्स बनाएंगे, और उसके बाद उसके बाद शाम को देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। वैसे शाम को हॉस्टल में तो ये कह रहे कि साबूदाने की खीर आएगी, बट मुझे नहीं पता इनकी खीर कैसी आती है, मैंने कभी खाई नहीं है। और उसके अलावा हम खुद देखते हैं हम क्या करते हैं, हो सकता है शेक वेक बनाएं या जो भी हमारा मूड होगा। और अभी आपको मैं मेरा रूम दिखाती हूँ, मेरे रूम की हालत देखना, तुम देखो देखो कैसे सामान घिना रखा है। मतलब मेरे को ये नहीं कि मैं पहले सारा सामान को एक तरफ करके समेट के उसके बाद चले जाऊँ, पहले सारा सामान मेरे को ये था कि हाँ उसको निकाल दो, सबको निकाल फेंको, जो करना कर रहा हूँ। वैसे गाइस मेरी आईलाइनर कैसे है, मेरी आँखें, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, बट सॉरी मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ, आपको नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ओके अभी थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे। और आप ये सोच रहे होगे मैं बार बार मेरा शीशा क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास है, मेरे पास एक इकलौती चीज़ यही है जिसको मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार दिखा रही हूँ। और पीछे मेरे टॉम एंड जेरी, हाय हाय कितना प्यारा लग रहा है। चलो गाइस मिलते हैं बाद में शाम को, देख ले, बाय बाय। गाइस अभी हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे, वैसे तो मेरा मन नहीं है खाने का, बट स्ट्रॉबेरी का नाम सुन के थोड़ा सा मन ललचा गया हमारा, तो अभी हम खाएंगे स्ट्रॉबेरी। और मेरी रूममेट आके सो भी चुकी है, पता नहीं इसको इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है, दूसरी नोबिता है, जब देखो तब सोती रहती है। और एक मैं हूँ उल्लू जिसको नींद ही नहीं आती, पता नहीं कितनी मुश्किल से तो मेरे को नींद आती है, फिर मैं सोती हूँ और फिर मेरे को बहुत जल्दी उठना भी रहता है। आदत से लाचार हूँ ना, क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में मैं। लेकिन आपको पता है मैं बार बार इतनी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरे को मैं अपने आप में बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैं बार बार इतनी बड़बड़ बज रही हूँ। ओके तो होता है ना यार, आपको कभी कभी मेरी बातें भी सुननी चाहिए ना, कभी कभी तो मैं बोलती हूँ। सो गाइस आ चुकी है हमारी स्ट्रॉबेरी, ये रही हमारी स्ट्रॉबेरीज जो कि घर की है, मीन्स जो खेत वेत होता है ना, आई थिंक स्ट्रॉबेरीज का जो भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, खेत होता है क्या होता है, बट ये वहाँ की है, ठीक है प्योर। अभी खाते हैं, हाय हाय स्ट्रॉबेरी खाएंगे हम। गाइज डू यू वॉन्ट स्ट्रॉबेरी, बट मैं नहीं दूंगी आपको, आपको खानी है तो आप खुद खरीद के लाओ और खुद से खाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं अपने आप ही खा लेती हूँ, वही बहुत बात है। वैसा मैं बता नहीं सकती, ठीक है जो भी कुछ है भाई मैं खा रही हूँ, ठीक है आपको खानी है ना तो आप लेके आ सकते हो। ओके बाय। अभी शाम के 7:15 हो चुके हैं और मैश में खाना आ गया था, तो अभी इनके मैश में क्या आई है शाम के टाइम, साबूदाने की खीर आई है। तो हमने ये मैश में बैठ के नहीं खाई थी, हम इसको रूम पे लेके आ गए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इनकी खीर, दिखाती हूँ कैसी है। गाइस ये है इनकी खीर, ठीक है ये साबूदाना है इसमें, ये इनकी खीर है, मुझे नहीं पता कैसी है, अभी टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ कैसी है। गाइस मुझे पता आप यही कहोगे मैंने अभी अपना मेकअप नहीं उतारा और मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा अभी डल सी लग रही होगी,
तो हुआ क्या था कि सीधा वहाँ से आने के बाद मैंने 2-4 वीडियो शूट की, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक सी गई थी तो मैं सीधे सो गई। मतलब मेरे को ये नहीं कि मैं अपना मेकअप पहले उतार लूँ उसके बाद सोऊँ, मैं सीधा सो गई। और अभी भी मैं मेकअप नहीं उतार रही हूँ, अब मैं सीधा मेकअप उतारूंगी खाना वाना खा पी के, और जब ये हो जाए ना हाफ सोने का टाइम है तब उधर वो बाथरूम के साइड जाएंगे, तब इस मेकअप को उतारा जाएगा। तब तक ये ऐसे ही है, तो मेरी शक्ल को देख के ज़्यादा कुछ मत कहना और बालों को मत कहना क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही बिखरे रहते हैं, मैं इनको अच्छे से करके नहीं रखती इस टाइम पे, क्योंकि चोटी करती हूँ ना, करूँगी बाद में करूँगी। और मेरी मेहंदी नहीं रची डार्क क्योंकि मैंने उतार ली थी इसको तभी के तभी। चलो अब इनकी हेयर ट्राई करते कैसी है, पता नहीं। पहली बार गाइस, 2 साल हो चुके हैं मेरे को हॉस्टल में, 2 साल में आज पहली बार मुझे इनकी खीर पसंद आई है। जो मतलब क्या होता है हमारे यहाँ संडे को जो मतलब खीर आती है संडे को दोपहर के टाइम पे, तो मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं खाती नहीं थी कभी भी। आज फर्स्ट टाइम इनके हॉस्टल की कोई सी भी लगा लो कि यार चावल वाली लगा लो या साबुदान वाली लगा लो, मैं आज पहली बार खा रही हूँ और मेरे को ये अच्छी लग रही है। ठीक है अब मैं इसको खाने के बाद आपसे मिलती हूँ, उसके बाद शायद हम शेक बनाएंगे क्योंकि लगता है मुझे ऐसा कि हमें बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं बनाते हैं नहीं बनाते हैं बता देंगे आपको। सो गाइज अभी 8:30 हो चुके हैं रात के और अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम शेक वगैरह बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पेट भर चुका है, मेरा तो भर चुका है औरों का पता नहीं, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मेरी आईडी का नाम भी मिल सकता है। ठीक है फॉलो कर लेना, फॉलो नहीं करते हो और फॉलो करते हो तो वीडियोस नहीं देखते, वीडियो देख लिया करो यार, बहुत मेहनत करती हूँ मैं इस थोबड़े के ऊपर, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे संडे वाले दिन सुबह उठ के। अब की बार आपको मैं मेरा रूटीन दिखाती हूँ, अगर मुझसे पॉसिबल रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं संडे को क्या कुछ करती हूँ, मेरी पूरी छुट्टी बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में, समझा करो गाइस। थोड़ा सा हम जैसे गरीब यूट्यूबर्स पर थोड़ा सी दया कृपया आप अपनी कर सकते हो, थोड़ी सी ज़्यादा हुई। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस।